हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ पढ़ते हैं एक्सेल इंडियन एसएपी एफआईसी मॉडल। आज की वीडियो में हम एसएपी पढ़ने वाले हैं। एसएपी की हमारी विदोल्डिंग की सीरीज चल रही है, जिसमें हमारी दो क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप ये दो वीडियो नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हो, या आपको आई बटन पर भी दोनों वीडियो मिल जाएंगी। और आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके एसएपी पीको नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां भी जाके आप सारी वीडियो हमारी देख सकते हैं। तो आज हमारा एसएपी की विदहोल्डिंग टैक्स का पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम इनवॉइस पोस्टिंग सीखेंगे कि इनवॉइस किस तरह से पोस्ट किया जाता है विदहोल्डिंग टैक्स के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, अगर आप लोग दो वीडियो नहीं देखे तो जरूर देख ले, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में एक्टिवेट एक्सटेंडेड विदहोल्डिंग टैक्स। अब हमारा है नेक्स्ट क्रिएट जीएल फॉर विद। तो कुछ इस तरह से थी एंट्री। एंट्री क्या थी? सबसे पहली थी टीडीएस ऑन वॉइस पोस्टिंग। जैसे आपने कोई सर्विस परचेज की है, जैसे मैंने इसे प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विस का एग्जांपल लिया है, लेकिन जो मैंने वहां यूज कराया है वो रेंट का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो क्या हो गया, एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टी टू टीडीएस, ये सारे जीएल हमारे यूज होंगे। तो हमने यहाँ पर जो जिस स्टेप में ले रखा है, क्या लिया है, क्रिएट जीएल फॉर विदहोल्डिंग टैक्स, जिसमें विदहोल्डिंग टैक्स हमारा क्रेडिट होगा। एक जीएल हमें ये क्रिएट करना पड़ेगा और एक हमारा जो हमारा रेंट एक्सपेंस का हो गया, ठीक है। तो टीडीएस ऑन प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज, इस तरह से हमारा जीएल क्रिएट करेंगे हम, ठीक है। तो जीएल क्रिएट करने के लिए कहाँ आएंगे हम, जीएल हो गया हमारे FI00 में हम जीएल क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्रिएट तो यहां से हम क्रिएट करेंगे, हमने क्रिएट करें सीट एंड। अब ये क्या है, बैलेंस शीट का पार्ट है। तो ये लाइबिलिटी होती है हमारी, लाइबिलिटी शॉर्ट टेक्स्ट क्या आएगा, शॉर्ट टेक्स्ट हमें दे दिया इसको टीडीएस ऑन रेंट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो 194 आई। और इसी को ही हम कॉपी करके नीचे, ठीक है, कंट्रोल डेटा में आएंगे। यहाँ पर आपको ये ओपन आइटम मैनेजमेंट आपको ऑन करना है, बिकॉज ये हमारी लाइबिलिटी है, बाद में हम इसको डेबिट करके क्लियर करेंगे। और शॉर्ट ये कर देंगे डिस्प्ले आइटम, उसके बाद यहाँ 001 एंड सेव, हमारा जीएल क्रिएट हो गया टीडीएस ऑन एंड। और एक हम एक्सपेंस का लेटर बनाएंगे, रेंट एक्सपेंस का, तो वो क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा एक्सपेंस, किस चीज का एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आ रहे, प्रॉफिट एंड लॉस में ही आते हैं। तो इसको सिंपल 001 एंड सेव। तो दो जीएल हमारे क्रिएट हो गए, एक एक्सपेंस का एक टीडीएस का, ठीक है। अब हम आते हैं बाहर। अब हमारा जीएल क्रिएट हो चुका है। अब हमें जिस वेंडर का टीडीएस काटना है, ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखा रहा वेंडर, तो उस वेंडर को हमें क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर वेंडर क्रिएशन कहाँ पर होता है, शॉर्टकट FK01, ठीक है। यहाँ वेंडर क्रिएशन करेंगे हम, अकाउंट ग्रुप डाल दिया हमने, कंपनी है
कंपनी का नाम दे दिया हमने, एक्स वाई जेड लिमिटेड, ठीक है, एक्स वाई जेड, एंटर। ये सब मैंने आपको सिखाया हुआ है वेंडर क्रिएशन अकाउंट टेबल में, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आईसीआई बैंक डाल दिया हम, दिल्ली में डाल देते हैं, ठीक है, ब्रांच दिल्ली में डाल देते हैं, एंटर। यहाँ कुछ नहीं देना है, रिकंसिलेशन अकाउंट इंडिकेटर हो गया हमारा, एंटर। अब मेन हमें जो एक स्क्रीन आपके पास आएगी, ये आएगी अब विद होल्डिंग टैक्स, ये अब देखें न्यू स्क्रीन है विद होल्डिंग टैक्स। तो आपको इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी विद होल्डिंग टैक्स की, जब आप विद होल्डिंग टैक्स एक्टिवेट करेंगे। अब यहाँ पर आ रहा है विद होल्डिंग टैक्स कंट्री, तो जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था विद होल्डिंग टैक्स कंट्री हमारी इंडिया है, ठीक है। अब पूछ रहे विद होल्डिंग टैक्स टाइप, विद होल्डिंग टैक्स टाइप क्या क्रिएट किया था हमने, I2 इनवॉइस 194I पेमेंट ऑफ रेंट इनवॉइस विदहोल्डिंग टैक्स कोड, इसके अगेंस्ट हमने विदहोल्डिंग टैक्स ये बनाया था R1, ठीक है, लाइबल हो जाएगा। रिसिपिएंट टाइप जो होगा हमारा वो क्या होगा, कंपनी, ठीक है। ऐसी दूसरा क्या बनाया था हमने, P2, इसके अगेंस्ट हमने बनाया था टैक्स कोड R2, ये इनवॉइस पे और ये क्या है पेमेंट पे, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो ये भी क्या हमारी, ठीक है। अब एक चीज मैंने और बताई थी, पैन नंबर मस्ट होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर सिम डिटेल आ रही है, आप यहाँ पर पैन नंबर अपना एंटर करेंगे, तो पैन नंबर यहाँ पर आप एंटर करेंगे, कुछ भी डाल देता हूँ मैं, ठीक है। और अगर आप की वेंडर क्रिएशन स्क्रीन पर ये सेंड डिटेल नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। एक चीज, आपको एक टी कोड है जिस जो है OMT3E, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको यहाँ पर जाना है टी कोड पे, तो आपको यहाँ जाना है, यहाँ पर यूजर सिक्वेंस में जाना है, यहाँ पर आप न्यू एंट्रीज क्लिक करेंगे और अपना यूजर नेम जो आप SAP ओपन करते समय डालते हो, ठीक है, वो आपका यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो ना, वो यूजर नेम यहाँ आएगा और यहाँ पर आप प्रेस कर दोगे ओनली स्टार, ठीक है। जैसे मैंने अपना यूजर नेम डाल दिया और यहाँ पर क्या डाल दिया, सपोज स्टार, तो ये डाल के बस आपको कर देना है सेव, तो मैंने कर रखा है। तो आपका ये सेंड डिटेल एक्टिवेट हो जाएगा, बस आपको इतना ही काम करना है, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, जैसे ही हमने सेव पे क्लिक करा, देखिए यहाँ पर क्या हमारा वेंडर क्रिएट हो चुका है। वेंडर क्रिएट होने के बाद अब हम बाहर आ जाएंगे, तो हमारा वेंडर भी क्रिएट हो चुका, अब हमें असाइन करना है ग्रुप विद होल्डिंग टैक्स के लिए, जिसके थ्रू हम जब एंट्री पास करेंगे तो ऑटोमेटिकली TDS हमारा विद होल्डिंग टैक्स अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जाएंगे SPRO, SAP रेफरेंस IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, विद होल्डिंग टैक्स एक्सटेंडेड विद होल्डिंग टैक्स, और यहाँ पर आएंगे आप पोस्टिंग अकाउंट फॉर विदहोल्डिंग टैक्स एंड डिफाइन अकाउंट ग्रुप फॉर विदहोल्डिंग टैक्स पेड ऑवर। अब इस पर क्लिक करेंगे और अपनी चार्टर अकाउंट डाल देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको रूल्स में आना है, पहले रूल्स पे आएंगे तो आपको ये दो क्लिक करना है, विदहोल्डिंग टैक्स कोड एंड विदहोल्डिंग टैक्स। तो इस पर आके आप अकाउंट पे आएंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने पहले से एक डाला हुआ है, दूसरा हमने क्या बनाया था, विदहोल्डिंग टैक्स टाइप हमने बनाया था I2,
ठीक है, इसका विद होल्डिंग टैक्स कोड क्या था हमारा I2 का, देखिए इसका था R1, ठीक है, GL, GL हम अपने चार्ट ऑफ अकाउंट से उठाएंगे जो भी हमने क्रिएट किया है इसका, कौन सा GL हमने जो बनाया था अभी, ये रहा TDS ऑन रेंट, ठीक है। ऑटोमेटिकली जब हम एंट्री पास करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब हम R1 पे इस कोड डालेंगे तो ऑटोमेटिकली इस अकाउंट में हमारा TDS डिडक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या बनाया था हमने, P2 मेरा P2 और इसका जो हमारा कोड था R2 था और GL तो हमारा ये यूज होगा। तो ऊपर से कंफ्यूज मत होना, अभी मैंने खाली ये वाले बनाए थे, ये ही मैं यूज कर रहा हूँ, इनको बस सेव कर दिया। सेव कर दिया है, अब बाहर आ जाएंगे। यहाँ तक हमारा काम क्या हुआ, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमने विदहोल्डिंग टैक्स भी असाइन कर दिए, अब हमारा जो मेन काम है वो है एंट्री कोड करना। अब हमारी एंट्री कोड होगी, तो एंट्री किस पे करते हैं हम, FB50 पर, वेंडर इनवॉइस के, वो सॉरी एंट्री किस पे करते हैं हम, FB60 पर वेंडर इनवॉइस की एंट्री, ठीक है। तो वेंडर कौन है हमारा, कंपनी हमारी आइडिया है, वेंडर कौन है हमारा, वेंडर है हमारा XYZ, ठीक है, यही बनाया था हमने। 1 जून ले लिया हमने सपोज डेट, ठीक है। अमाउंट सपोज हमने 50,000 की, या ₹20,000 रेंट के पे करें, ठीक है। ठीक है, जीएल कौन सा जीएल आएगा हमारा, रेंट एक्सपेंस का, एंट्री का भी रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टी वेंडर, और रेंट एक्सपेंस का ये बनाया हुआ हमने कितने की, ₹20,000 की। तो इतना कर दिया हमने, उसके बाद हम आएंगे विदहोल्डिंग टैक्स पे। अब देखिए दोनों दिखा रहे हैं यहाँ पर, आई पेमेंट फॉर रेंट, देखिए मैंने आपको बताया था बुक होना चाहिए या पेमेंट होनी चाहिए, तो हम बुक कर रहे हैं, तो इस R2 को हम हटा देंगे, एंटर कर देंगे। अब यहाँ से सिमुलेट करके देखेंगे, TDS XY रेंट एक्सपेंस ₹20,000 का, XYZ को हमें पेमेंट करनी है ₹18,000, और रेंट की हमें कितनी पेमेंट करनी है, और TDS और रेंट की हमें कितनी पेमेंट करनी है, 2,000, क्योंकि मैंने 10% बताया था आपको TDS कटेगा, तो ऑटोमेटिकली देखिए TDS कट गया, जो अभी हमने अकाउंट ग्रुप असाइन किया उसके थ्रू ऑटोमेटिक TDS काट लिया। उसके बाद हम उसको सेव कर देंगे, सेव कर दिया, देखिए हमारी एंट्री सेव हो चुकी है। अब हम बाहर आ जाएंगे, हमारा टैक्स कट चुका है, ठीक है। अब हमें अपनी रिपोर्ट में देखना है, तो उसके लिए एक टी कोड है, वो है J1INMIS, ठीक है, J1INMIS। आप इस पे एंटर करेंगे, अपना कंपनी कोड डालेंगे, आइडिया कब का देख रहे हो, फिस्कल ईयर किस पीरियड का देख रहे हो, लाइक मैं 1 अप्रैल से 30 जून तक का देख रहा हूँ। ये देखिए मैंने 2 पे काटा हुआ, 194C पे हमारा 1,000 कटा है, 194I पे हमारा 2,000। तो इस तरह से हम TDS को मेंटेन करते हैं, विदहोल्डिंग टैक्स को SAP में इनवॉइस पोस्टिंग के थ्रू। मुझे आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड जाने से पहले एक बार फिर से, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड थैंक यू।